हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों में बाधक बने पति की हत्या कराने वाली पत्नी और दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति के पति मुन्ना यादव का अधिकतर समय जेल में बीत जाने के कारण पत्नी के दोनों जीजा रंजन व बच्चों से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में मुन्ना को पता चल गया तो दोनों जीजा ने अपने साथी राकेश से मृतक की पत्नी से अवैध संबंध बनवाए, जिसके बाद राकेश और पूनम में प्रेम हो गया। मुन्ना को रास्ते से हटाने के लिए साथी ब्रह्मा यादव से मिलकर मृतक मुन्ना को शराब पिलाकर पूरी तरह नशे में करने के बाद बांके से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक के सिर, धड़ और कपड़ों को अलग अलग जमीन पर गड्ढा खोदकर दफना दिया। जंगली जानवरों द्वारा शव को जमीन से खोदे जाने के बाद पुलिस को जब शव मिला तो उसके होश उड़ गए और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या में प्रयुक्त बांका भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने निर्मम हत्या का खुलासा करने वाली अतरौली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। आशीष सिंह की रिपोर्ट। किसकी हत्या की गई थी और कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या पूरे इस मामले में बजे रही है? थाना अतरौली में ग्राम घेरवा में 18 तारीख को एक बॉडी मिली थी, जिसमें उसका धड़ अलग था और सर अलग करके फेंका गया था, जो लगभग धड़ और सर के बीच 200-300 मीटर की दूरी थी। एक विभत्त तरीके की हत्या थी, जिसमें तत्काल थाना अध्यक्ष द्वारा मौके पे जाके कार्रवाई की गई, फोरेंसिक टीम भी पहुंची, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें जो मृतक था, मृतक का नाम मुन्ना यादव है, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का था और उसकी अपनी पत्नी से भी अनबन रहती थी। उसकी पत्नी के अपने जीजा और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध थे, जिसके लेकर अनबन रहती थी। पत्नी ने नाराजगी में आके उसको मारता पीटता था, जिसे पत्नी ने नाराजगी होकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के तीन व्यक्ति, पूनम जो उसकी पत्नी है, राकेश और ब्रह्मा यादव, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। इसमें इसके पूनम जो है उसकी जीजा रंजन और बच्चू, ये भी षड्यंत्र में शामिल थे, जिनकी पुलिस के पास है। ऐसे मारा गया। एक बांका था जो कि लकड़ी काटने इत्यादि का होता है, उससे गला को रेत, शराब पिलाने के बाद जब नशे में पूरी तरह हो गया तो गला को रेत कर हत्या कर दी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।